हेलो गाइस, आप सभी का एमके हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज की सातवीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा अगली कविता बंदर का धंधा यह सीखने जा रहे हैं। इसके कवि हैं नरेंद्र गोयल जी। इस कविता में जो है कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है, यानी कि जो जंगल में जड़ी बूटियां होती हैं उससे हमें क्या लाभ होते हैं ये बताने का प्रयास किया है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ ही मनोरंजक भी है। अभी हम देखते हैं, इस कोरोना की इस महामारी के बीच सभी लोग घरों में काढ़ा पी रहे हैं, ये भी एक जड़ी बूटियों से ही हम पीते हैं। अब ये कविता मैंने पहले पढ़ लेती हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज रख डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबाले सुबह शाम को लेना, खांसी जब झूमंतर होए फीस तुम तभी देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुमार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। कविता के यह कठिन शब्दार्थ हैं। कठिन शब्दार्थ आला यानी कि डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, जो हम कभी अस्पताल जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर के गले में एक स्टेथोस्कोप होता है, उसे आला कहते हैं। थाम यानि पकड़कर, छू मंत्र यानि गायब, गिलोय एक प्रकार की जड़ी है, बूटी यानि वन औषधि है, एक प्रकार की जंगल की औषधि है, घी कुमार एक प्रकार की बूटी जिसे हम एलोवेरा कहते हैं उसे हिंदी में घी कुमार कहा जाता है, कुंदन सोना, मौज प्रसन्नता। इस तरह से इसके ये कठिन शब्दार्थ हैं। अब हम चार चार पंक्तियां करके इस कविता का अर्थ समझेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से कुर्सी एक और एक मेज़ ले आया और एक पेड़ के नीचे रख कर उसे अपना दवाखाना खोल लिया। इस तरह से डॉक्टर ने अपना दवाखाना खोल लिया है। एक दिन उसे जो है जंगल में कहीं फिरते फिरते स्टेथोस्कोप मिल गया, जो कि डॉक्टर के गले में होता है आला, वो उसे मिल गया। अगली पंक्तियाँ, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू बंतर होए फीस तभी तुम देना। इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले डॉक्टर बंदर के पास पहला पेशेंट आया है भालू और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना, जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी तुम मुझे फीस देना। यानी कि देखो, अभी घर पर हम भी खांसी अगर हो जाए, जुकाम यानी कि सर्दी अगर हो जाए, तो घर के बड़े बूढ़े लोग जो हैं वो कहते हैं कि पहले तुलसी के पत्ते खाओ, और अब यहाँ पर बंदर भी उसी तरह से तुलसी के पत्ते देता है और पीपल की जड़ देता है और कहता है कि इनको तुम जो है पानी में उबालना यानी कि बॉईल करना, इन पत्तों को और जड़ को
पानी में उबालकर सुबह और शाम को पीना। और क्या कहता है डॉक्टर बंदर कि अगर तुम्हारी खांसी और जुकाम जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तब मुझे यहाँ की फीस दे देना। अगली पंक्तियाँ, एक बिल्ली आई, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। अब यहाँ पर एक बिल्ली पेशेंट बनकर आई है और वो क्या कह रही है। आगे फिर डॉक्टर बंदर बोलता है कि बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। इन पंक्तियों में डॉक्टर बंदर के पास एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे बुखार है। कितना बुखार है? 104 बुखार है। मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। तो बंदर डॉक्टर क्या कहता है कि तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, गिलोय एक प्रकार की जड़ी बूटी है, इसका रस तुम पी लेना, तुम रात तक इतनी अच्छी हो जाओगी, इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही तुम डांस कर सकोगी। फिर डॉक्टर बंदर ने डांस का भी नाम भी बता दिया कि ईना मीना डीना, इस तरह से तुम डांस करोगी। फिर अगली पंक्तियाँ, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुमार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। अब इन पंक्तियों में डॉक्टर बंदर के पास अगला पेशेंट आया है लोमड़ी और वो क्या कह रही है कि मुझे ऐसी दवा चाहिए जिससे कि मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। फिर तब बंदर ने क्या कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुमार लगाओ। यानी कि अभी हम देखते हैं कि घर में कोई अगर किसी के घर पर मुँह पर फुंसियाँ आ जाए तब घर पर एलोवेरा का ले उसका पत्ता लेकर उसके अंदर का जो गर होता है वो चेहरे पर लगा लिया जाता है ताकि वो फुंसियाँ चले जाए और चेहरे की त्वचा जो है स्किन जो है चमकने लगे। तो इसी तरह से बंदर ने भी इस लोमड़ी को अपनी त्वचा के लिए क्या दिया है, घी कुंवर दिया है और कहते हैं कि सुबह शाम दो समय इसे लगाओ, जब तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा तभी तुम मुझे फीस देना। अगली पंक्तियाँ, चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस प्रकार बंदर जो डॉक्टर है उसका धंधा अब अच्छी तरह चलने लगा है। वह रोज़ रोज़ जंगल से जाकर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता है और खूब मौज मनाता है, यानी कि जड़ी बूटियों से हर एक पेशेंट का, प्राणी पेशेंट का वह इलाज करने लगा है। इस तरह से बंदर का डॉक्टर का जो धंधा है अच्छा चलने लगा है। यह कविता इस तरह से समाप्त होगी।